आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मत पूछो कैसा है। बहुत ही और ये देखो आज है ना घर से निकले हैं इतनी जल्दीबाजी में, मास्क भूल गए तो है ना बाजार से मास्क लेना पड़ा है। और मास्क पता नहीं कोरोना से बचाएगा या नहीं, लेकिन चालान से जरूर बचाएगा, बचाएगा बिल्कुल। तो हमने मास्क लिया है और कौन सी जगह है तो आप देख रहे हो भाई कहाँ से, सीधा घर से है ना यहीं पे आ गए हम, क्योंकि राकेश भाई बहुत देर से है ना इंतजार कर रहे थे पिछली बार के जैसे। लेकिन इस बार ज्यादा इंतजार हुआ, आ गए थे तुरंत ही, 10-15 मिनट में आज पहुंच गए थे। तो आज जा रहे हैं अपन नारगढ़, बाकी आधी दूर आ चुके हैं। और देखो अपना हेलमेट एक्शन कैमरा कुछ भी लेके नहीं आए, क्योंकि अपना है ना मन नहीं था आज वीडियो बनाने का, लेकिन मैं यार क्यों नहीं भाई के लिए ना थोड़ी बहुत तो भाइयों के लिए वीडियो बना के डाल ही देते हैं। बाकी आप जगह देख ही रहे हो, आपको जगह दिखाते हैं अभी कौन सी जगह है। वहाँ सामने में अपनी खड़ी है रामप्यारी और राकेश भैया की बाइक, और ये देखो आप है भूसा राकेश भैया, और इधर से व्यू आ रहा बहुत ही अच्छा, पूरा जंगल टाइप का है। जो कि अभी है ना जेगढ़ भी नहीं पहुँचे हैं, जेगढ़ तो जाएंगे नहीं, नारगढ़ चलेंगे। और उधर की तरफ में ना वहाँ से अगर आगे जाके देखते हैं ना तो जलमहल दिखता है, एक नंबर जगह है। धूप इतनी चरम पे हो चुकी है कि राकेश भाई ने सीट पे पानी डाला अभी, और अपने भी इधर सीट पे पानी डाल दिए, गर्म हो गई यार सीट। राकेश भाई आप थोड़ी ना गर्म हो रहे हो। यहाँ से आगे खतरनाक मोड़ है, खतरनाक मोड़ है। बाकी आप नज़ारा देख ही रहे हो, बहुत ही शानदार नज़ारा है। अगर बारिश के मौसम होगा ना सावन में तो यहाँ की जो ग्रीनरी है ना एक नंबर होने वाली है। और ये हमारे राकेश भाई आगे निकलते हैं। हाँ राकेश भाई क्या हाल है। दोस्तों देखो यहाँ आके जो है ना व्यू का जो नज़ारा मिला है ना जलमहल का, क्यों राकेश भाई बिल्कुल जलमहल जैसा एक नंबर। और राकेश भाई देखो जयपुर के हो गए ना पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। कितनी शर्म की बात है ना भाई, थोड़ी शर्म वरम करो यार, टाइम नहीं मिलता अब साथ घूमने का भी। मतलब बताओ शर्म वरम है कि नहीं बंदे को, शर्म है। लेकिन क्या तो छुट्टी पे वो आज भी शर्म है, मौस की तो छुट्टी रहती है सबकी, तो उसकी भी छुट्टी आज। तो देखो भाई को भी है ना अमावस की छुट्टी मिलती है और मुझे भी है ना अमावस की छुट्टी मिलती है मेले में एक। तो ये है कि है ना अभी घर पे कुछ अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अब क्या चल रहा है वो क्या है, हमारे जो है ना चाचा जी उनकी लड़की की शादी है तो 3 दिन छुट्टी करेंगे, लेकिन 3 दिन में ना कोई वीडियो बना नहीं पाएंगे। तो आज अमावस है, मतलब क्यों नहीं आसपास में जाके आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी काम भी होता है। तो चाचा जी की लड़की की शादी है, अपनी जो कजन सिस्टर है तो थोड़ा बहुत काम देखना भी पड़ेगा। बाकी ये जलमहल का नज़ारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर दो वीडियो को नहीं किया हो तो अभी तक, लाइक शेयर कमेंट सारे कर दो और नज़ारे दिखाते हैं आपको एक बार अच्छे से। और तो दोस्तों वो सामने में जलमहल, और ये पहाड़ी देखो आप कितनी गजब की पहाड़ी है, जो कि बारिश के मौसम में एक नंबर हो जाती है, क्यों राकेश भाई बिल्कुल होती है ना। यहाँ से पूरा ना जलमहल का व्यू आ रहा है बहुत शानदार। बाकी अगर बारिश का मौसम होगा ना तो यहाँ आने का मजा अलग ही होगा। तो व्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो VSB फिल्म्स बंजारा, नहीं VSB फिल्म्स 01 के नाम से अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी है। तो अब चलते हैं नारगढ़। सामने में ठाकुर जी का चरण मंदिर नारगढ़ पहाड़ी पर। श्रीगढ़ किले सरदार जी का मंदिर है सामने में, और वो पीछे में बावड़ी है, तो वहाँ चलते हैं।
और अपनी राम प्यारी को वहाँ लगा दिए। राकेश भाई प्यारे अच्छे से जमा के चलना भाई, स्लिप हो रहा है थोड़ा मामला। नाहरगढ़ की है ना बावड़ी है, इधर में पूरा जयपुर शहर है। दिखाओ राकेश भाई। बिल्कुल, ये जयपुर शहर है इधर में। बाकी जो जगह है अभी क्या है, बारिश नहीं आ रही ना, तो इसमें बावड़ी में पानी नहीं है। बाकी जब हल्का फुल्का पानी, हाँ जब बारिश होती है उस टाइम पे इसमें काफी पानी भर जाता है। उधर चल के दिखाते हैं आपको कहाँ से पानी आता है। और इस बावड़ी का देखो आप पानी का जो स्रोत आने के लिए, देखो इधर से यूँ घुमा के, इधर से यूँ घुमा के, उधर से यूँ घुमा के, फिर यूँ पानी जा सकता है इसके अंदर। मस्त एक नंबर। हाँ और देखो ये जो है ना सामने से पानी है ना इधर की तरफ आता है, फिर यहाँ से घूम के ये इस तरीके से, और है ना इधर में ये पानी आता है, और इधर ये जाली लगी है ताकि है ना कचरा इधर ही रह जाए, पानी अंदर की तरफ चल जाए। राकेश भाई ये क्या है? ये गुल्ला के क्या? ये इधर भाई पैसे वैसे डाल दो, ये तो केवल मजाक की बात है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये जंतर मंतर जादू टोना। ये पूरा जयपुर शहर है, गजब। और ये जयपुर सिटी के अंदर से ना एक अलग से रास्ता आ रहा है नाहरगढ़ के लिए, तो ये जो रास्ता है ना ये जयपुर सिटी में जाता है, शायद पुरानी बस्ती के लिए जाता है इधर रास्ता। और ये पूरी जयपुर सिटी है। ये गणेश मंदिर, गणेश जी भगवान जी का मंदिर। अरे आराम से आगे भाई। अरे भाई कहाँ चढ़ के देख कहाँ चढ़ के देख रहे हो आप? राकेश भाई पूरा व्यू का मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दीपावली के समय है ना जयपुर शहर हमारा इस तरीके से खिल उठता है, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती है उस तरीके से सज जाता है हमारा पूरा जयपुर शहर। और सामने में जो दिख रहा है आपको पानी का ये वाला हिस्सा, ये है ताल कटोरा, इधर में गोविंद देव जी। पीछे में देखो बावड़ी दिख रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है, और पूरा जयपुर शहर आपको दिखाई दिए। हो सकता है कि ये ना ये वीडियो दो पार्ट में भी आ जाए क्या, अगर लंबी हो जाएगी तो, क्योंकि अभी है ना नाहरगढ़ तो हम पहुँचे नहीं, जो नाहरगढ़ का जो महल है वहाँ तो पहुँचे नहीं अभी, तो फिलहाल में बावड़ी के यहीं आसपास में खड़े हैं, तो चलते हैं। देखो नाहरगढ़ से पहले जाने से पहले है ना ये बावड़ी का रास्ता है, तो इधर आप बावड़ी देख सकते हो आराम से, और आगे में नाहरगढ़ है। बाकी बावड़ी भी अच्छी है काफ़ी, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। अब चलते हैं नाहरगढ़ के लिए।